नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे आपके अपने ऑनलाइन संस्था टारगेट विथ आलोक में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं फिर किसी दिन किसी नए पॉइंट के साथ आपके सामने प्रमोशन वीडियो में आ जाऊंगा। लास्ट वाला जो वीडियो था किसान विद्रोह किसान आंदोलन वाला, उसको प्लीज स्पेशली आप लोगों के लिए था, देख लीजिएगा। क्लास चालू करने से पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए दोस्त, जो ये समय वायरस चल रहा है ये बहुत ज्यादा ही एक्टिव हो चुका है, इसीलिए सबसे पहले आपकी जिंदगी है, जिंदगी के बिना कुछ नहीं होता है, ये मेरा मानना है। हो सकता है कई लोग कुछ और भी कमेंट करें, मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि जिंदगी रहेगी तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तो ही हम कुछ कर सकते हैं। पैसा, कभी कभी पैसा भी इंसान के पास, क्या अमेरिका के पास पैसे नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे हैं, लेकिन तो भी वो अपने देश में फैली इस बीमारी को, तमाम लोगों की मौत को वो रोक नहीं पा रहा है। इसीलिए सुरक्षित रहिए, अपने दोस्तों को सुरक्षित रखिए, परिवार को सुरक्षित रखिए, घर से ज्यादा बाहर मत निकलिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, कहीं ना कहीं हम आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे प्यार में या नफरत आप हमसे करते हो तो भी हम आपसे जुड़े हैं। इसलिए सेहत का ध्यान रखिएगा। आज की जो ये क्लास है लेखपाल की, इसमें फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं, और हम लोग जब भी कोई प्रमोशन वीडियो लेके आते हैं, स्पेशली मैं अपनी बात करता हूं, मैं किसी और की बात क्यों करूं, जब भी मैं कोई प्रमोशन वीडियो लेके आता हूं, मुझे ये मतलब नहीं रहता है कि क्या है क्या नहीं, बस ये रहता है कि हाँ जो मेरा टॉपिक है वो आपके एग्जाम से कितना महत्वपूर्ण है। आप लोग चीजों को देखा करिए, समझा करिए। जैसे कि पहले भू राजस्व सुधार आया, फिर कुछ आंदोलन के बारे में मैंने एक सिनॉप्सिस आपको बताया, फिर किसान आंदोलन आया, आज जो है ये भारत में समाज सुधार, हिंदू समाज सुधार आंदोलन के बारे में बात करेंगे, जिसमें रामकृष्ण मिशन है, आर्य समाज है, ब्रह्मो समाज है, तमाम समाज की बातें हैं। और चूंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें एक फैक्चुअल क्वेश्चन वन वर्ड आता है, इसीलिए किसान आंदोलन की तरह हमने भी इसको कॉलम में बना दिया है। और प्लीज दोस्त देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हम पर भरोसा करिए आंख बंद करके, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि हम जो भी चीज आपके सामने लाते हैं सोच समझ के लाते हैं और अच्छी चीजें लाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए जैसे उसका नोट्स बनाया होंगे उसी प्रकार इसका भी नोट्स बना लीजिएगा, यहां से भी चुनिंदा सवाल आपके एग्जाम में आपको मिल जाएंगे, या आप अगर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि सवाल जरूर आए होंगे। जैसा कि हमारी संस्था में लेखपाल की बहस स्टार्ट हो गई है, ठीक है, काफी लोग जुड़े हैं, जो नहीं जुड़ पाए हैं उनके पास अच्छा सुनहरा मौका है, जुड़िएगा। नीचे स्क्रॉलिंग में नंबर दिया होगा, आप कांटेक्ट करिए, हमारी संस्था के द्वारा आपको रिस्पांस किया जाएगा। इन सब बातों के अलावा ये संस्था की बातें हैं, हम अपनी बातें करते हैं आज पढ़ाई की। हुआ क्या था कि जब धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का अंत हो गया था तो अंग्रेजों का उद्भव बहुत ज्यादा होने लगा था, और अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे कि भारत में जो राजनीतिक मतभेद चल रहे थे उनका फायदा उठाकर वो भारत पर शासन करने के तत्पर हो गए थे, शासन करने भी लगे थे। और उसी में इन्होंने क्या किया कि ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार को सर्वाधिक महत्वता दी, इंपॉर्टेंस दिया। तो ईसाई धर्म का जो प्रचार हो रहा था उसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम धर्मों में क्या हुआ, कई सारी कुरूतियों को ये आधार बनाते थे और अपने धर्म की अच्छाइयों को देते थे। हिंदू और मुस्लिम धर्म धीरे धीरे कई सारे लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित होने लगे। इसीलिए अपने धर्म को सुरक्षित करने के लिए कई सारे बुद्धिजीवी वर्गों ने कई सारी नीतियों का पालन किया, और उन्होंने अपने धर्म में फैली कुरूतियों का सुधार करके हिंदू सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो, भाई हमारी संस्कृति थी, ठीक है। रामकृष्ण मिशन का गठन हुआ, राजा राम मोहन राय जी, जिनको क्या कहते हैं आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, उनको क्या, उन्होंने भी तमाम कुरूतियां, जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, मूर्ति पूजा हो गया, ठीक है, दलितों के प्रति हमारी जो भावना थी उच्च जातियों की, उन सभी का खंडन करते हुए नए नए प्रकार के समाज निकले और जिसमें सुधार किया गया। उन समाजों को हम एक अच्छे रूप में तैयार किए हैं, एक अच्छे कॉलम में तैयार किए हैं, आप उस कॉलम को बस समझते जाइए, लिखते जाइए, और जो भी एक्स्ट्रा बातें वो हम आपको समझाते जाएंगे। तो जो सामाजिक सुधार आंदोलन में जो सबसे पहले जिस समाज का गठन हुआ वो था आत्मीय समाज। कौन सा था? आत्मीय सभा। अब देखिए, आत्मीय सभा जो था, आत्मीय सभा जो था, हेडिंग ऐसे लगा लीजिएगा, हिंदू धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, और कॉलम में बनाइएगा संस्था, सन, स्थान, संस्थापक और प्रमुख उद्देश्य क्या थे उसके।
तो आत्मसभा जो था इसका गठन 1841 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने किया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है या नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है या भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है? हिंदू धार्मिक समाज सामाजिक सुधार आंदोलन में सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका निभाई वो राजा राम मोहन राय जी ने निभाई। विलियम बेंटिक की सहायता से इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया। उसके साथ इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया कि मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए। बाल विवाह का विरोध किया। तमाम प्रकार की कुरूतियों को हमारे धर्म से निकाला इन्होंने ताकि हम लोग फिर अपने धर्म की तरफ प्रभावित हों। तो इसको ऐसे ही बनाइएगा, आत्मसभा का गठन 1841 में कलकत्ता में हुआ, इसका गठन राजा राम मोहन राय ने किया। राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय वही था जो अंग्रेजों के संरक्षण में गद्दी पर बैठने वाला पहला मुगल बादशाह था। तो कभी भी पूछा गया कि अंग्रेजों के संरक्षण में गद्दी पर बैठने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था, तो वो था अकबर द्वितीय। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक, नवजागरण का अग्रदूत या भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहते हैं। जो आत्मसभा का प्रमुख उद्देश्य था, हिंदू समाज की कुरूतियों का विरोध एवं एकश्वरवाद का प्रचार करना, एक ईश्वर का, ठीक है, बहुपूजा, मतलब कितने करोड़ भगवान है हमारे धर्म में, और सब आजकल तो जाति के आधार पर लोगों ने भगवान को भी बांट रखा है, अन्यथा मत लीजिएगा, जाति के आधार पर आजकल भगवान का भी विभाजन हो गया। हम ये नहीं समझते कि हम एक ही धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं तो सारे भगवान सारी जाति एक है, लेकिन हमने अपने धर्म में ही कई सारे बंटवारे भगवान का बंटवारा कर रखा है। तो इनका ये मानना था कि एक ही ईश्वर है और एक ईश्वरवाद को ही अपनाना चाहिए। तो ये जो प्रमुख उद्देश्य था ये किसका था? आत्मसभा का। आपसे एक चीज कहना चाहते हैं कि आप लेखपाल की, अगर प्योरली लेखपाल की तैयारी कर रहे होंगे तो उद्देश्य को ज्यादा प्राथमिकता मत दीजिएगा। हम सिर्फ इसलिए लिख दिए हैं ताकि आप चीजों को समझ सके। कई सारे लोग इसमें से होंगे जो पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे और वो लेखपाल का भी फॉर्म भर रहे होंगे, और किसी ने कहा कि सर लेखपाल का लेवल सर लो नहीं है, बहुत हाई लेवल है। हाई लेवल कितना, ये हम जानते हैं दोस्त, ठीक है, आईएएस का लेवल या पीसीएस का लेवल का नहीं होगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि एग्जाम की तैयारी करना बड़ी बात नहीं होती है, एग्जाम में कितना आना है हमारे लिए क्या जरूरी है ये सोचकर तैयारी करना सबसे बड़ी बात होती है। सारी चीजें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, हम अपने एग्जाम के लेवल को, अपने सिलेबस को देखकर जितनी चीजें पढ़ेंगे उसी से हमारा सिलेक्शन होगा। तो हमने क्या कहा कि इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो हिंदू समाज की कुरूतियों का विरोध करना एवं एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। और आपको जनरली यहां से जो सवाल आएगा आएगा आत्मसभा का गठन किसने किया, तो राजा राम मोहन राय ने। दूसरे जो सभा का गठन हुआ वो था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का गठन कलकत्ता में हुआ, इसका भी गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की खास बात क्या थी कि सर्वधर्म संभाव पर बल देना तथा एकेश्वरवाद को सिद्धांत को अपनाना, मतलब सभी धर्म की जो मूल बातें होती हैं वो एक होती हैं, चाहे वो आप किसी भी धर्म के हो। भाई ईसाई धर्म लोग जब अपना, ईसाई पादरी लोग जो थे जब वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे तो हमारे धर्म में बुराइयां बता रहे थे और अपने धर्म में अच्छाइयां बताकर हमें उस धर्म की तरफ ले जा रहे थे। यही रीजन इन्होंने कहा राजा राम मोहन राय ने कि आप किसी भी धर्म के हो, सभी धर्म की मूल बात जो होती है वो एक ही होती है, बस उसको अलग अलग मनुष्य विभाजित कर देता है, इसीलिए हमें एक ही ईश्वर को मानना चाहिए और उन्हीं के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। अगली जो सभा का गठन हुआ वो था तत्व बोधनी सभा। इसका गठन 1839 में कलकत्ता में हुआ। इसको देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। कुछ नहीं था, राजा राम मोहन राय के बाद उनके विचारों का प्रचार करना सबसे बड़ी बात थी। जैसे मान लीजिए कि मेरी कोई बातें किसी को अच्छी लग जाए, मैं नहीं कहता 100 में किसी एक को अच्छी लग जाए, तो उस मैं नहीं रहूंगा इस दुनिया में, तो मेरी बात का तो प्रचार करना पड़ेगा,
व्हाट्सएप फेसबुक तो था नहीं कि ये चीजों को राजा राम मोहन राय अपने स्टेटस पे अपडेट कर देते, लोग फॉलोअर बन जाते। तो उनकी बातों को प्रचार करने के बाद, उनके बाद उसको प्रचार करने के लिए और भी कोई माध्यम होना था, इसीलिए राजा राम मोहन राय की बातों को प्रचार, बातों का प्रचार करने के लिए देवेंद्र नाथ टैगोर ने किस सभा का गठन किया, तत्वबोधनी सभा का गठन किया। क्लियर, उम्मीद करता हूं आप लोग लिख लिए होंगे। ऐसे ही कॉलम बनाइए दोस्त, मैं बार बार कहता हूं, अगर किताबें ही आपको पढ़नी है तो फिर आपको कोचिंग करने की आवश्यकता क्या है। आपको उतना खाइए जितना आपको हजम हो जाए, उतना पढ़िए जितने से आपका सवाल सही हो जाए। तीन चार सवाल आने हैं तो हम क्यों इतनी मेहनत करें। अब कई लोग कहेंगे सर हमको ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान चाहिए तो फिर आप एग्जाम की तैयारी मत करिए, तब आप नेट की तैयारी करिए, आप शिक्षक बनिए, मेरा मानना है। एक टॉपर का इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें मैंने, उसने कहा कि हमें उतना ही पढ़ना चाहिए जितना हमारे लिए आवश्यक है, अगर हम हर चीज पढ़ते हैं तो हम विद्यार्थी नहीं है, केवल चुनिंदा चीजों को निकालकर पढ़ना चाहिए। अगले जो सभा का गठन हुआ वो था परमहंस मंडली का। परमहंस मंडली का गठन आत्माराम पांडुरंग ने किया था बंबई में। यह सवाल कई बार पूछा गया है वनडे एग्जाम्स में, हर हायर लेवल एग्जाम्स में भी, परमहंस मंडली का गठन किसने किया है। तो परमहंस मंडली का गठन किया है आत्माराम पांडुरंग ने। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था धर्म तथा जनता के आचरण में सुधार करके सामाजिक असमानता को मिटाना। ये लाइन समझिए, सामाजिक असमानता को मिटाना। सामाजिक असमानता को मिटाने का कहने का मतलब है कि ये जो जाति पाति का भेदभाव था, ऊंच नीच का भेदभाव था, ठीक है, वर्ण व्यवस्था थी, इसकी वजह से बहुत ज्यादा असमानताएं आ गई थी। भाई जब बौद्ध धर्म आया तो कई लोग बौद्ध, पिछड़े वर्ग के लोग बौद्ध धर्म में क्यों प्रभावित होने लगे, क्योंकि उनको उसमें रियायत मिलने लगी जो हमारे धर्म में नहीं थी। धीरे धीरे लोग ईसाई धर्म, दक्षिण भारत के कई सारे लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित होने लगे, क्योंकि हमारे धर्म में जो कुरूतियां थी उनको उस धर्म में नहीं दिखती थी, वो अपने आप को वहां सेफ महसूस करते थे। तो इसीलिए क्या हुआ, परमहंस मंडली या आत्माराम पांडुरंग ने कहा कि समाज में जो असमानताएं फैली हैं सबसे पहले हमको इनका सुधार करना है। आप किस जाति के हैं, किस वर्ग के हैं, इससे मतलब नहीं है, आप मनुष्य हैं और मनुष्य की सेवा करना ही मनुष्यता का प्रतीक होता है। आज लोग पीड़ित हैं तो डॉक्टर कहीं ये नहीं देख रहे हैं कि अरे भाई ये किस जाति का है, सबका इलाज हो रहा है, या वायरस जो है वो सबको लग रहा है, ये तो देख के लग नहीं रहा है कि भाई ये उच्च वर्ग है निम्न वर्ग है। तो इसीलिए सामाजिक असमानताओं को मिटाने के लिए परमहंस मंडली का गठन हुआ। अगला जो था वो था वेद समाज। धवालू नायडू ने इसका गठन किया। इसकी खास बात है इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने ब्रह्म समाज के बारे में बताया। तो कभी भी आपसे पूछा गया कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा गया, समझिएगा, कभी भी आपसे किसी ने पूछा कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा गया, तो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज वेद समाज को कहा गया। यहां वेद शब्द का प्रयोग हो रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती को मत जोड़िएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, वेद समाज मतलब यहां पर है धवालू नायडू से। लेकिन ये शायद ना पूछे आपको, आपको शायद ये पूछ ले कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा गया, तो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज वेद समाज को कहा गया। अगले समाज की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आदि ब्रह्म समाज। इसका गठन केशव चंद्र सेन ने किया था। कब, 1866 में। देखिए दोस्त, हम लोग सुधार के लिए छोटी छोटी समितियां बनाते हैं आजकल, पहले उसी प्रकार समाज का गठन होता था। जैसे मैंने कहा ना कि मेरे से सब प्रभावित नहीं हो सकते, मेरी बातों से हर लोग प्रभावित नहीं हो सकते, लेकिन कुछ लोग प्रभावित होंगे। तो वो एक, अगर मैं एक समूह बना लूं, समाज बना लूं अपने सुधार का, तो उसमें जो लोग मेरे साथ आएंगे, मेरी बातों से सहमत होंगे, वो उसमें आएंगे और उस सुधार का हिस्सा बनेंगे। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से चीजों का सुधार करना चाहते थे। तो आदि ब्रह्म समाज का गठन 1866 में कलकत्ता में केशव चंद्र सेन ने किया था। ये सामाजिक सुधारों के साथ साथ स्त्री मुक्ति एवं माद निषेध पर बल दिया, मतलब मद्यपान, मदिरा, इन सब पर प्रतिबंध की बात की।
उन्होंने कहा कि समाज में सर्वाधिक जो कुरीतियां फैलती हैं वो इन्हीं की वजह से फैलती हैं। ठीक, क्योंकि प्राचीन काल से ही स्त्री और माद जो मदिरा है ये एक सेवन का समान समझा जाता था। मदिरा सेवन की चीज है, ये स्त्रियों को भी समझा जाता था। लेकिन बीच में सुधार हुए आधुनिक भारत में, और आज की डेट में तो सुधार लगभग 80% हो ही चुके हैं। तो इसीलिए इनका यह मानना था कि स्त्री मुक्ति मतलब एक समाज में स्त्री मुक्ति मतलब यह मत समझिए कि स्त्री के बिना समाज, नहीं 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 नहीं, कुरूतियों की दृष्टि से जो देखा जाता है स्त्री मुक्ति यो मद निषेध पर बल, मतलब मदिरा चीजों को छोड़ना। अगला जो समाज है इसको स्पेशली ध्यान रखिएगा, यह सवाल हो सकता है आपके लेखपाल में आ जाए, हो सकता है नहीं, 90% श्योर है हम कि आपके लेखपाल के एग्जाम में यह हो सकता है आ जाए। प्रार्थना समाज से गठन बंबई में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। इसमें क्या था कि जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, इन तमाम बातों का त्याग करने की बात कही गई, और इन चीजों को अगर हम त्याग कर दें तो हम वाकई में पूरे समाज को एकत्रित करके एक अच्छे तरीके से चल सकते हैं। तो प्रार्थना समाज का गठन आत्माराम पांडुरंग ने किया, इन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने की बात की गई। और हिंदू धर्म में कौन सी बुराइयां व्याप्त हैं, वही मैंने बताया, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, भेदभाव, इन तमाम चीजों को दूर करने की बात आत्माराम पांडुरंग ने अपने इस समाज के तहत कहा था। इसको उम्मीद करता हूं आप लोग लिख लिए होंगे। इससे इस टॉपिक को, भले छोटा टॉपिक है, कम समय का है, लेकिन इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा दोस्त, जरूर, आगामी किसी भी परीक्षाओं के लिए आपके लिए आवश्यक है। अगला जो समाज सुधार था वो था आर्य समाज। आर्य समाज का गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 में बंबई में। हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को रोकना, हमने क्लास चालू होने से पहले ही आपसे कह दिया कि लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म में परिवर्तित होने लगे थे। इन्होंने बताया कि हमारा धर्म हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हमें धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, और यही रीजन है कि वेदों की ओर चलो का नारा भी देने वाले कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक, या वेदों की ओर लौटो, हिंदू धर्म में सुधार और हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को रोकना। भाई इसे मान लीजिए कि मैं किसी दूसरे धर्म में परिवर्तित हो रहा हूं, किसी ने मुझसे पूछा कि आप भाई क्यों परिवर्तन करना चाहते हैं, मैंने बताया हमारे धर्म में ये बुराइयां हैं, तो वो हमसे कहेंगे क्या यही एक ही ऑप्शन है, क्या हम इसमें सुधार नहीं कर सकते हैं? भाई आप किसी में जाएंगे तो उसमें कुछ बुराई होगी तो फिर आप बदलेंगे, आप अपने धर्म में क्यों ना सुधार करके उसमें रहिए। यही रीजन है कि दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म के सुधार पर ज्यादा टारगेट किया, और इन्होंने इसका जो आधार बनाया वो वेदों को बनाया। इनका यह कहना था कि वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो, ना कि वैदिक काल में चलो, ये मत समझिएगा कि वैदिक काल चलना है, नहीं नहीं, वेदों की ओर लौटो, इसका नारा देने वाले कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनकी खास बात है, इनको भारत का मार्टिन लूथर भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर। और दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी। किसकी, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना करने वाले भी कौन थे, दयानंद सरस्वती। इन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्रभाषा का प्रयोग किया था। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्रभाषा का प्रयोग किसने किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। आपको पता है स्वामी दयानंद के नाम से डीएवी कॉलेज की स्थापना है, दयानंद वाला एंग्लो वैदिक स्कूल। तो डीएवी कॉलेज की स्थापना
जो ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, लाला हंसराज ने किया था। आप स्वामी दयानंद सरस्वती को मत सोच लीजिएगा। डीएवी कॉलेजों की स्थापना दयानंद सरस्वती के नाम पर किसने किया था? लाला हंसराज ने। और आर्य समाज का सर्वाधिक जो प्रचार प्रसार हुआ वो पंजाब में हुआ। भले इसका गठन बंबई में हुआ है, लेकिन सर्वाधिक प्रचार प्रसार इसका कहां पर होता है? पंजाब में। तो कभी भी पूछा गया कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। पूछा गया सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो दयानंद सरस्वती। अगर इसकी भाषा पूछ ली गई तो हिंदी भाषा में। सर्वप्रथम स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्रभाषा का प्रयोग किसने किया? तो दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो का भी नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इनके नाम पर डीएवी कॉलेजों की स्थापना किसने की है? लाला हंसराज ने। क्लियर। इसके बाद जो दूसरे सभा का गठन हुआ वो था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन 1857 में न्यूयॉर्क में हुआ। इसमें थे कर्नल ऑलकॉट और मैडम एचपी। प्राचीन धर्म एवं दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुत्व। प्राचीन धर्म, सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म एवं दर्शन का प्रचार। सांख्य दर्शन, योग दर्शन जो है वैदिक युग में, सांख्य दर्शन कपिल का, योग दर्शन पतंजलि का, वैशेषिक दर्शन कणाद का, ठीक है, न्याय दर्शन गौतम का। तो ये जो दर्शन आए थे, छह दर्शन शास्त्र, उन पर इन्होंने टारगेट किया। और विश्व बंधुत्व मतलब संपूर्ण विश्व जो है वो एक ही कड़ी से जुड़ा हुआ है, बस धर्म के वजह से वो अलग अलग हो जाता है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन कर्नल ऑलकॉट ने, मैडम एचपी ने किया था। अगला जो सुधार था वो था साधारण ब्रह्म समाज। इसका गठन आनंद मोहन बोस ने किया था। समाज की व्यवस्था तथा सुधार, ठीक, इसमें से कोई खास बात नहीं, इसलिए यहां से सवाल कभी आज तक आया नहीं। पर चूंकि ये हिंदू सार्वजनिक सुधार आंदोलन में है, इसलिए इसको हमने चार्ट में ऐड कर दिया। आज इस चार्ट को बनाएंगे तो सारे सुधार आंदोलन आपको मिल जाएंगे। अगला है, इसको कोशिश करिएगा पढ़ने का, यह भी पूछा जा सकता है, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। इसका गठन 1884 में पुणे में हुआ, एम जी रानाडे ने किया। शिक्षा का पुनर्गठन और प्रचार करना। कई सारे भारत में शिक्षा आयोग आए, अंग्रेजी मीडियम को माध्यम बनाया गया जिसमें हमारे धर्म को हटाया गया। जैसे अभी नेशनल पे रामायण सीरियल आया तो नेशनल का टीआरपी मतलब कम से कम नहीं तो 10 गुना ज्यादा हो गया, और से 10 नहीं तो 8 गुना ज्यादा हो गया। फिर श्री कृष्णा, महाभारत, अब विष्णु पुराण आने वाला है। तो कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि जैसे हम इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो उसी तरह शुरुआती क्लास में हमें सनातन धर्म के बारे में पढ़ना चाहिए, मैथोलॉजी हमारी। तो जो शिक्षा जो है, जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है, जैसे जब हम इतिहास पढ़ते हैं, मैं इतिहास पढ़ाता हूं आप जानते हैं, तो हम कभी अपना इतिहास नहीं पढ़ते। जैसे मुगलों के बारे में पढ़ते हैं, तुर्कों के बारे में पढ़ते हैं, हम कभी पृथ्वीराज चौहान के बारे में नहीं पढ़ते हैं, कभी राणा रतन सिंह के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम केवल उनके बारे में 3-4 लाइनें पढ़ के छोड़ देते हैं, खत्म कहानी, और पूछे भी नहीं जाते सवाल, इसलिए लोग पढ़ते भी नहीं, पढ़ाया भी नहीं जाता है भी नहीं। तो यही रीजन है, इनका ये कहना था कि शिक्षा में जो शिक्षा का पुनर्गठन है वो एक चीज को आधार बनाकर करना चाहिए जिससे हमें हमारे धर्म के बारे में भी शिक्षा मिले। तो शिक्षा का पुनर्गठन और प्रचार करना, उस पुनर्गठन करके शिक्षा का प्रचार करना, इसका गठन किया था एम जी रानाडे ने। और किस सोसाइटी के तहत? दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के तहत। अगला है रामकृष्ण मिशन। इसका गठन स्वामी विवेकानंद ने किया था, ठीक। रामकृष्ण परमहंस थे जिन्होंने रामकृष्ण मठ का गठन किया था, ठीक। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद का है, लेकिन रामकृष्ण मठ जो है ये रामकृष्ण परमहंस का है। किसका है? रामकृष्ण परमहंस का। इसका गठन बेलूर में, किसका? रामकृष्ण मिशन का गठन बेलूर में स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जानते होंगे, खास बातें बताता हूं। जो विश्व हिंदू परिषद
का जो आयोजन हुआ था उसमें हिस्सा लेने वाले शिकागो में कौन थे? स्वामी विवेकानंद। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद ने राजयोग कर्मयोग की रचना की। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद ने राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग की रचना की। इन्होंने केवल हिंदुत्व को बल दिया और हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहा। भारत भारतीयों के लिए ये नारा स्वामी विवेकानंद ने नहीं, दयानंद सरस्वती ने दिया है। गलती मत करिएगा, भारत भारतीयों के लिए का नारा आर्य समाज का है, स्वामी दयानंद सरस्वती का है, ना कि स्वामी विवेकानंद का है। ठीक, सुलिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो था वो था सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। भारतीयों की सेवा करना तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उन्हें जागृत करना था। हम भारतीय जो हैं, जब हमें जागृत किया जाता है तभी हम किसी दूसरे चीज के प्रति सोचते, नहीं तो जो जैसे कंडीशन है उसी में जीते रहते हैं। तो सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया ही आपसे पूछा जाएगा कि सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किसने किया? तो सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और आखिरी जो था वो भारत हिंदू महासभा था, जिसका गठन वीडी सावरकर ने किया। इन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो आजकल बहुत तेजी से र्यूमर में चल रहा है लोगों के बीच में कि हिंदू राष्ट्र घोषित करना। इन हमारे समाज सुधारकों ने इतना प्रयास किया, लिख लीजिए, हट जा रहे हैं, ये हमारे समाज सुधारकों ने इतना प्रयास किया कि धर्म की एकता को बनाने का, हमारे देश को वो करने का, पर सब आज की डेट में देखा जाए तो कुछ हद तक है, कुछ हद तक विफल है। ये अन्यथा बातें नहीं है, सही बातें, इनको सही वे में सोचिएगा, राजनीतिक पार्टी के मुद्दे से ना सोचिएगा। क्या हम आज वैसे हैं जैसे हमारे इन लोगों ने हमें सुधारना चाहा? क्या हम जात पात छोड़ चुके हैं? क्या हम छुआछूत छोड़ चुके हैं? क्या हम सबको एक दृष्टि से देखते हैं? इसीलिए हमसे एक बार सवाल पूछा गया था कॉलेज में, हमसे पूछा गया कि मिस्टर गौरव पांडे, आप आज के समय में सोसाइटी को कितने कास्ट में बांटते हैं? और मैंने एक फ्रेंकली आंसर दिया था, सर दो वर्ग में, शिक्षित वर्ग और अशिक्षित वर्ग। शिक्षित वर्ग का व्यक्ति कभी भी कास्टिज्म, छुआछूत की बात नहीं करेगा, जो अशिक्षित वर्ग के लोग हैं वही ये बातें करेंगे। लेकिन मेरी ये बात गलत साबित हो गई जब मैं यूपी आया। यहां के शिक्षित वर्ग लोग ज्यादा कास्टिज्म की बात करते हैं रेदर देन अशिक्षित वर्ग के लोग। बुरा मत मानिएगा, बहुत कटु सत्य है, बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा ये लाइन सुनते हुए, हो सकता है बहुत कुछ कमेंट में लिखें, लेकिन ये सत्य है। हम सब एक हैं, हम सब भारत के लिए, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। इसीलिए जो हमारे पूर्वज, जो हमारे पीछे के लोग, जो हमारे प्रवर्तक के लोग धार्मिक सुधार के लिए काम किए हैं, उन चीजों को ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और आपके बैच के लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहां से आप ही नहीं, कोई भी एग्जाम देंगे तो गठन, समाज का गठन या डेट जरूर, हाई लेवल में चले जाएंगे तो डेट पूछ लेता है, और जब लो लेवल में आते हैं तो सभा का गठन किसने किया, यही पूछा जाता है। तो इसका नोट्स बना लीजिएगा, छोटे छोटे पोर्शन के नोट्स, जैसे किसान आंदोलन के बन गए, इसका बन गया, इन चीजों को तैयार करते हुए चलिएगा। बाकी बैच में आपकी क्लासेस रेगुलर चल ही रही है। तो फिर से कह रहा हूं, जहां भी रहिएगा सेफ रहिएगा, क्योंकि आपका सेहत ही आपकी जिंदगी है, आपके परिवार की अमानत है। पहले जिंदगी है, फिर उसके बाद पैसे हैं, नौकरी है। बी सेफ, बी हैप्पी, जहां भी रहिएगा खुश रहिएगा। हम फिर किसी दिन किसी और क्लास साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।